भाई साहब ये चेक करें, नया पतीला आ गया है। ओए 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 ये चेक करें। हाँ भाई कितनी देर में खाली करोगे ये भी तुम, ये बता। पक्की बात है इनकी सबसे अच्छी जो उन्हें लग रही है ना उस्ताद, वो है गन। ये गन चलती हुई है या छर्रे वाली, ये बताओ पहले तो। भाई ये चलती है, चलने वाली गन है, छर्रे वाली नहीं है। ओए 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 ये चेक करें, माशाल्लाह भाई चेक कराओ, भाई चेक कराओ। ओए 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 फुल गूदा भरा हुआ है भाई नलियों में, माशाल्लाह का बेहतरीन टेस्ट है, बहुत जबरदस्त। पहली दफा है? हाँ पता चला हम लोगों को, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर आ गए हम लोग। यार एक बज रहा है, रश चेक करें, फुल ओके माहौल लगा हुआ है भाई यहाँ पे। ग्रीन है, नया नया जायका है ना, टेस्ट है, तो माशाल्लाह से रश भी लगा हुआ है। माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत से 30-40 पतीले निकल जाते हैं, 30-40 पतीले निकल रहे हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। एक पतीला कितनी देर में खाली हो रहा है? एक पतीला हमारा आपके सामने 7-8 मिनट में खाली हो रहा है, 7-8 मिनट में खाली हो रहा है। Assalamualaikum, welcome back to my another vlog. This is Assam. तो भाई मैं आज मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में, और भाई यहाँ पर करंगी की मशहूर बिरयानी वो ओपन हो गई, और उसका नाम है फजले रब्बी बिरयानी। तो भाई इसी को ट्राई करने के लिए मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। अच्छा इनकी जो खासियत है वो है भाई 7-8 मिनट में जो है वो यहाँ पर बिरयानी खत्म हो रही है, और 40 से 50 देगे जो पतीले कहलाते हैं वो जो है डेली बेसिस पे खत्म हो रहे हैं। तो भाई रात 4 बजे तक यहाँ की टाइमिंग है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करने पहुंच गया हूँ कि यार इनकी बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतना रश लगा हुआ है। तो भाई एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। सर भाई ये बताएं फजले रब्बी का कैसा जायका है? जबरदस्त, पहली दफा है यार? जी सर। कैसा लगा फिर? माशाल्लाह बेहतरीन है, जबरदस्त जबरदस्त। भाई क्या टेस्ट है फजले रब्बी का? माशाल्लाह का बेहतरीन टेस्ट है, बहुत जबरदस्त। पहली दफा है? हाँ पता चला हम लोगों को, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर आ गए। यार एक बज रहा है, रश चेक करें, फुल ओके माहौल लगा हुआ है भाई यहाँ पे। ग्रीन है, नया नया जायका है ना, टेस्ट है, तो माशाल्लाह से रश भी लगा हुआ है यहाँ, जबरदस्त। तो आज कितने साथियों के साथ आ गए ये तुम? ये 5 साथी हम लोग, ये हमारे भाई दुबई जा रहे हैं, तो अरे माशाल्लाह तो इन्होंने ट्रीट दिए, दुबई से आए हुए थे तो इन्होंने ट्रीट दिए, ये उसामा भाई हमारे, इन्होंने ट्रीट दिए। अरे वाह भाई वाह, आज मुर्गा ये मन है? हाँ आज मुर्गा भाई वाह, जबरदस्त। क्या मंगाया आज? नल्ली वाली नल्ली वाली नहीं मंगाई, नल्ली खत्म हो गई, नल्ली खत्म हो गई। अरे यार ये तो गलत हो गया यार आपके साथ, इतना बकरा नहीं मना, ये जाहिर स्वीट से 5,000 रुपए की मिठाई भी लेके जा रहे थे। ओ हो भाई जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टेस्ट है, हम और लोगों को भी रेफर करेंगे। भाई साहब ये चेक करें, फुल नलिया ही नलिया भरी पड़ी है। ओए 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 ये चेक करें, माशाल्लाह भाई चेक कराओ, भाई चेक कराओ। ओए 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 फुल गूदा भरा हुआ है भाई नलियों में। एक दिन में कितनी टेके बना रहे हो भाई? हमारे अभी यहाँ पर ओपनिंग करी है, हमारे को 5 दिन हुआ, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से 30-40 पतीले निकल जाते हैं, 30-40 पतीले निकल रहे हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। एक पतीला कितनी देर में खाली हो रहा है? एक पतीला हमारा आपके सामने 7-8 मिनट में खाली हो रहा है, 7-8 मिनट में खाली हो रहा है। यार इस टाइम पर बज रहे हैं 11, और यहाँ पर आप रश चेक करेंगे ना माशाल्लाह से, ये है पार्सल का रश फुल, और यहाँ पर बैठक लगी हुई है भाई खाने वालों की, और अंदर भी जाएंगे ना तो अंदर भी जो है वो फैमिलीज बैठी हुई है, और नीचे अंदर जो है वो बैठक लगी हुई है भाई। तो यहाँ पर जो है ना वो रचे का प्रोग्राम बना हुआ है। काशिफ भाई क्या कहते हैं यार, मैंने इतना रश जो है वो अल्लाह राजी के बाद मैंने इधर देखा है यार, रश बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे इतना सीन ऑन है यार कि हम खुद लाइनों में लग के
खुद पर्चियां कटवा के काउंटर पे आ रहे बिरयानी लेने के लिए। मैं नहीं कर रहे यार, तो भाई यहीं पर जो है ये गोश्त काट रहे हैं और सामने जो है वो किचन है और किचन में यहाँ पर बन रहा है पुलाव। भाई ये स्टार्ट हो गई है नई डेग लगना, माशाल्लाह से भाई नया पतीला लग रहा स्टार्ट हो गया भाई जबरदस्त। और माशाल्लाह से ये चेक करें यार, पतीले पे पतीले जो है वो लगे हुए और ये भाई तेल डला है, दही डली है। ओए 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 भाई साहब, कितनी देर में तैयार हो जाएगी ये? आधा घंटा, आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। जबरदस्त भाई, आधे घंटे के अंदर ये डेग तैयार हो जाएगी भाई। करे रेशे वाला फुल गोश्त जो है ना वो डल रहा है, फुल रिवाज वाला माशाल्लाह भाई। और गोश्त की क्वालिटी भी चेक करें, ओए 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 जबरदस्त भाई। भाई फुल मसाले जो है ना इसमें डल गए, हाय 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 भाई जबरदस्त। गोश्त की जो स्मेल आ रही है ना इस टाइम पर, वो भाई पेट में चूहे दौड़ गए इसमें। ओए 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 भाई ये डल रहे हैं चावल इसके अंदर माशाल्लाह भाई जबरदस्त। ओए 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 ये चेक करें भाई, ये माशाल्लाह भाई फुल यखनी के अंदर जो है वो ये तैयार हो रहा है और फुल हैदराबादी स्टाइल है भाई इसका। जानू कितनी देर में तैयार हो जाएगा ये? 10 मिनट लगेंगे बस, 10 मिनट बाद रेडी डे जबरदस्त भाई। 10 मिनट के बाद डेग रेडी और 10 मिनट के बाद ये पुलाव खत्म। ओ भाई साहब ये चेक करें नया पतीला आ गया है। ओए 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 ये चेक करें। हाँ भाई कितनी देर में खाली करोगे ये भी तुम ये बता? 8 से 8 मिनट पक्की बात है, देख लो 7 से 8 मिनट में खाली। भाई चेक करें माशाल्लाह फुल बड़ा वाला पतीला है और 7 से 8 मिनट के अंदर ये खाली होने वाला है। और भाई का हाथ चेक करें माशाल्लाह से भाई फुल ओके है भाई। ओए 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 भाई ये चेक करें माशाल्लाह से पतीला खाली हो गया और ये आए हुए कोई 5 से 6 मिनट हो और ये पतीले की हालत चेक करें, फुल भाई जो है वो खाली करती है पतीले को। अब नया पतीला आएगा और वो भी 7 से 8 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। भाई ये है काशिफ भाई और इनको भी जो है ना मैंने यहाँ पर दिहाड़ी पर रखवा दी है क्योंकि ये जो है बड़ा तंग कर रहे थे, तो इनको यहाँ पर दिहाड़ी पे। कितनी दिहाड़ी पर आता है भाई? 300 रुपए पर डे। बर्तन वर्तन भी धोगे ना यहाँ पर है भाई? जान हो गया भाई, कोई टांगे वांगे दबानी तो वो भी दबाना है इससे सही है बेटा, तेरे बस का काम नहीं है छोड़ दे। तो भाई मेरे साथ मौजूद है मिराज भाई, फजल रब्बी प्लाव के ओनर, तो जरा इनसे मालूम करते हैं भाई यहाँ पर जो रश लगाया हुआ है उसका राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई, कैसे हैं? ठीक है तो सलाम, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, करम है अल्लाह पाक का। राज ये है कि हमने ये नाम रखा है ना फजल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का फजल हो रहा है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह के नाम की बरकत है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं जायका है तो रश है। अच्छा मैंने एक चीज और देखी कि मेरे ख्याल से अभी कुछ 3, 4 या 5 दिन ही हुए हैं यहाँ पर खुले हुए और यहाँ पर जिस किस्म का रश है ना, मैंने ऐसा रश कहीं और नहीं देखा। तो मुझे एक चीज और बताइए कि जो पुलाव के अंदर जो मसाले हैं ये और जो गोश्त है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन मसाला और बेहतरीन गोश्त, इसकी सच्चाई का साबित ये है। खुले आम बना रहे हैं, खुले आम चल रहा है, खुले आम चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिक्योरिटी भी माशाल्लाह देख ले आप इसके, यार इनकी सबसे अच्छी जो मुझे लग रही है ना उस्ताद वो है गन। ये गन चलती हुई है या छर्रे वाली, ये बताओ पहले तो। भाई ये चलती है, चलने वाली गन है, छर्रे वाली नहीं है, चुकी है लेकिन माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, जायका है तो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत ही जबरदस्त। और कुरंगी वाले हम, कुरंगी वाले इसलिए कुरंगी में क्या था, मतलब कुरंगी वाले से मुराद क्या है? कुरंगी से मुराद ये है कि कुरंगी वाले जो है ना हमारा खाना जायकेदार होता है। हाँ 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 यार, वैसे एक चीज है नो डाउट, जो कुरंगी की पुलाव कुरंगी की बिरयानी है ना वो कोई आउटस्टैंडिंग है भाई। मिराज भाई यहाँ की लोकेशन क्या है और यहाँ की आपकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि मैं इस टाइम पर 1 बज रहा है और यहाँ पर जिस किस्म का रश है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता माशाल्लाह। बिल्कुल रश तो आप लोग देख सकते हैं और लोकेशन जो है पावर हाउस चुरंगी चुरंगी के सामने 2 मिनट का रोड लगता है फजल रब्बी के नाम से। और टाइमिंग क्या है यहाँ की? टाइमिंग दोपहर 1 बजे से रात 2 बज जाए 3 बज जाए, जिस तरीके से रश होता है माशाल्लाह
हम चाहते हैं कि हर किसी को मिल जाए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, हमारी कोशिश ये है हर बंदा जायका लेके जाए। अच्छा, और इसके प्राइस क्या है, प्लेट पर प्लेट क्या दे रहे हैं, नली वाली क्या हिसाब दे रहे हैं? 600 रुपए किलो चिकन है और 600 रुपए किलो ही बीफ है। अरे माशाल्लाह, मेरे ख्याल से बीफ ज्यादा चल रही है। और नली जो है वो 150 रुपए की अलग से, 150 रुपए की अलग से मुझसे। और प्लेट क्या दे रहे हैं, 150 रुपए की? जी 150 रुपए की पाव, 150 रुपए की पाव, 300 रुपए की आधा किलो और 150 रुपए की नली। तो भाई हम भी जो है वो इनकी बीफ बिरयानी जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रश है ना वो कुछ और ही बता रहा है कि भाई यहाँ का जो लेवल है, यहाँ का जो सीन है कोई नेक्स्ट लेवल है भाई। तो हम भी इसको ट्राई करते हैं और आप लोगों को इसका रिव्यू देते हैं। तो भाई साहब ये चेक करें नली, ओए होए 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 होए, जबरदस्त भाई यार, इस पे जो नली का मजा है ना वो अलग ही है भाई। ओए होए, ये दूसरी नली निकल रही है भाई। ओए होए 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 होए, वाह जी वाह, ओए होए 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 होए, ओ भाई साहब ये चेक करें यार, नली चेक करें, ओए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हाँ भाई काशिप भाई, क्या सीन है सर? आपके साथ ही आया है बिरयानी खाने के लिए और यहाँ पे बीफ नली बिरयानी है और देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ हाँ हाँ, और जिस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है तो मैं तो भाई वेट ही यार, माहौल तो कोई इंग्लिश माहौल बना हुआ है यार। इस टाइम पर रात का जो है कोई 1:30 बज रहा है और यहाँ पर जो माहौल लगा हुआ है ना, फुल जो है वो दिन वाला माहौल लगा हुआ है भाई यहाँ पे। मजा आया है सबसे पहले ना आपको जरा चेक कराता हूँ इसकी टेंडरनेस, थोड़ा बूटी जो है ना, हुए हुए हुए, ये चेक करें बात करना भाई, फुल भाई रेशे वाली बूटी है, हुए 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 हुए, ये चेक करें भाई, बूटी को चेक करें, हुए 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 हुए, और कुछ चेक कराता हूँ भाई, टेंडरनेस चेक करें यार, ये चेक करें, गुलाबी साफ सुथरा गोश है भाई, और ये पड़ी हुई है लल्लिया, हा 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 भाई, इसको ट्राई करते हैं सब फौरन से पहले, तो इसे बड़ा बनाते हैं, जरा वाइट कॉम्बो वाइट बनाते हैं लल्ली का और गोश्त का, कि भाई कैसा जायका है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार कोई लेवल है भाई, इसका जो जायका है ना, जो यम्मी का जो टेस्ट आया है, और ऊपर से जो इन्होंने गरम मसाले टाइप का जो क्या कहते हैं काली मिर्च बेसिकली जो डाली है ना, उसका जो जायका आया है ना यार, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये नेक्स्ट लेवल जायका है। और दूसरी चीज़ जो गोटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर हुई हुई है, मुंह में गई है और वो जो ना गोटी खुल गई है। बिरयानी का जो मज़ा होता है ना बेसिकली वो होता ही यही है कि जो है ना गोटी चावल और जो दिल्ली है ना उसको जो मजा आया वो एक साथ मुंह में आए, जो टाइट बने ना वो मज़ा ही आ जाए भाई यहाँ। तो भाई इतनी सारी जो है ना ये बिरयानी पड़ी हुई और दिल जो है ना वो ऐसा हो रहा है, स्मेल जो इसकी आ रही है ना वो दिल चाह रहा है कि भाई फौरन से पहले इसको ख़त्म करूँ मैं, क्योंकि ये हो जाएगी ठंडी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो ना आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।